हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ये देखिए 1.25 मीटर कपड़ा है हमारा ये। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है। तो हम यहाँ पर देखिए 11 साल की लड़की का टॉप कट कर रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। सिर्फ 2 सिलाई से हमारा टॉप बन जाएगा। ये देखिए, हमने इसको एक बार डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लगभग लंबाई 24 इंच होनी चाहिए डबल करके, सिंगल 48 इंच। तो ये देखिए, हम इसको एक बार फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से, ये देखिए, बिल्कुल इसको इकसार करते हुए हम यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, हम बंद साइज से इसको कट करेंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई 22 इंच आ रही है। तो ऐसे ही हम 22 इंच के हम निशान गुलाई करते हुए इसकी लगा लेंगे। ये देखिए, एक कोने से हम पकड़ेंगे और इसको घुमाते हुए पूरे में गोल गोल इस पर निशान लगा लेंगे 22 इंच के। ये देखिए, ऐसे ही हम पूरे पर निशान लगाएंगे और ये देखिए, जिस जहाँ पर भी हम निशान लगा रहे हैं, हम वहाँ को वहाँ से इसको कट कर देंगे। ये देखिए, अब इसी निशान पर हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। हमने जहाँ भी निशान लगाए थे, हमने उसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपनी नेक कट करेंगे इसकी। ये देखिए, जिस कोने से हमने निशान लगाए थे, उसी कोने से हम इसकी नेक कट करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। ये देखिए, आप अगर बड़े का काटें तो 3 इंच ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच ली है और लंबाई लेंगे हम 4.5 इंच। ये देखिए, हमने 4.5 पर निशान लगा लिया है और इसको एक बॉक्स बना देंगे। देखिए, और इस पर हम गुलाई कर देंगे। हमारे आगे और पीछे के नेक गोल ही कटेगी एक जैसी, तो इसलिए इस यहाँ इसकी नेक छोटी ही कट करें। ये देखिए, हमारा टॉप कट कर चुका है। ये देखिए, और जहाँ हमें ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, हम इस पर पूरे पर लेस अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर लेस भी ले ली है। देखिए, यहाँ पर हम लेस अटैच करेंगे। एक सिरा ले लेंगे आप कहीं से भी इस पर लेस अटैच करने के लिए। तो ये देखिए, हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे इसके लेस लगाते हुए यहाँ पर हम लेस को अटैच कर देंगे पूरे पर। ये देखिए, पूरे पर ही हम इसको लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए, हमारी लेस भी अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसकी नेक बनाएंगे। तो ये देखिए, नेक के लिए हमने और भी पट्टी कट कर ली है। ये देखिए, कितनी प्यारी लग रही है लेस लगा करके। तो देखिए, हमने यहाँ पर नेक के लिए और भी और ये देखिए, हमारी 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और ये देखिए, हम पल्ले को सीधा रखेंगे, कुर्ते को उल्टी साइड से हम ये पट्टी लगाएंगे सीधी साइड के लिए। और ये देखिए, हमारे दो जहाँ से हमने ऊपर कट्स लगाए थे, इसमें जहाँ से हमने गला स्टार्ट किया था 2.5 इंच से, वहाँ से हम इसको नेक से एक कंधा से अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 0.5 इंच की हम सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा वाला शोल्डर है। एक शोल्डर से हमने अटैच किया, एक पर ये है। ये देखिए, ऐसे ही पूरे पर राउंड राउंड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए, जहाँ पे हमारी ये कपड़ा पूरा हो जाए, वहाँ से हम कट कर देंगे। और देखिए, इसको यहाँ से हम डबल फोल्ड करते हुए, हमने ये उल्टी साइड से लगाई थी सीधी साइड के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से हम डबल फोल्ड करते हुए सीधी साइड से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम पूरे नेक को कंप्लीट करेंगे।
और ये देखिए हमारी नेक की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। और ये देखिए जहाँ से हमने एक निशान लगाया था और जहाँ से हमने स्टार्ट की थी ये पट्टी लगानी, वहाँ से हम दोनों शोल्डर को पकड़ेंगे ये देखिए। और हमने जैसे पहले इसको फोर फोल्ड किया था उस इसको ऐसे ही हम रख लेंगे फोर फोल्ड कर करके। ये देखिए हमने इसको सीधी साइड से रख रहे हैं, इस पर हम सिलाई लगाएंगे सीधी साइड से। ये देखिए, तो ये देखिए आप अपने चेस्ट के अनुसार यहाँ पर निशान लगा लें। यहाँ पर मैंने 8.5 इंच लगाई है और शोल्डर लगाए 7 इंच नीचे देखिए। और यहाँ पर हम नीचे हिप के सिलाई लगाएंगे यहाँ पर 10 इंच। तो देखिए हमने निशान लगा दिए हैं, ऐसे ही निशान हम नीचे वाले पल्ले पर भी लगा लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे ही उठाते हुए आसानी से इस पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए इस पर निशान लगा लिए हमने। और इस पर हम आल पिन लगा देंगे पहले ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना। ये देखिए ऐसे हम दोनों पल्लों पर आल पिन लगा लेंगे। अब इस पर हम अपनी सिलाई कप लगा लेंगे। तो ये देखिए जहाँ से हमने 7 इंच से नीचे निशान लगाया था वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और अपनी दोनों सिलाई लगा लेंगे। पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये टॉप बहुत ही आसानी से बन जाता है, सिर्फ इसमें को बनाने में 10 से 15 मिनट लगती हैं। ये देखिए, और पहनकर भी बहुत प्यारा लगता है ये टॉप। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी दोनों सिलाई लग चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं। देखिए कितना प्यारा टॉप लग रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।